हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपने बहुत सारे कस्टम चुटी सेटिंग देखी होगी, थ्री फिंगर या फिर टू फिंगर वाली। लेकिन आप जानते हो कि टू फिंगर में कुछ ऐसी कस्टम चुटी सेटिंग भी है जिसपे अगर आप गेम प्ले करते हो तो आप थ्री फिंगर, फोर फिंगर या फिर कह लो तो पीसी प्लस वाली गेम प्ले आप करने लगोगे। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। इसमें आप अच्छे से अगर प्रैक्टिस कर लेते हो तो सुपर फास्ट वन टैप, ब्लू वॉल मूवमेंट सब कुछ अच्छे से आप कर पाओगे। और मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च करने के बाद ये कस्टम चुटी अच्छे से सिलेक्ट किया है, आपके लिए बनाया है। तो इसको आप जो प्रलास तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको जो चुड़ी मिलने वाला है वो बहुत ही खतरनाक है, जिसमें आप इतना अच्छा गेम प्ले करोगे ना, मैं बता रहा हूँ आपकी चाचा गर्लफ्रेंड होगी और चार तो काम बोल रहा हूँ इससे ज्यादा ही हो जाएगी। मैं तो तेरे को हरा भी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुष निकला रे। तो बस आपको एक ही काम करना है कि इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लेना, और वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना है। Okay. तो गाइस सेटिंग में जाके सबसे पहले तो आपको अपने कंट्रोल्स में लेफ्ट फायर बटन और कुक ओपन स्विच को ऑलवेज ऑन कर देना है। हमेशा के लिए आपको इसे ऑन ही रखना, इनेबल करके ही रखना। क्यों आपको इसे इनेबल करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा, जो कि बहुत ही अच्छा है। इसे आप यूज करके बहुत ही अच्छा गेम प्ले करने वाले हो, वो भी मैं अच्छे से अभी बताऊंगा। तो इस दोनों को इनेबल करने के बाद आपको कंट्रोल्स में कस्टम एचयूडी पे क्लिक करना है। उसके बाद कस्टम एचयूडी सेटिंग्स में आपको क्या क्या करना है ये आप अच्छे से पहले समझ लो। तो आपको अपने कस्टम एचयूडी में जाके सबसे पहले आपको राइट साइड का पूरा ऐसे सेट कर लेना, जिसमें आपको सबसे पहले ऊपर में आपको गनबॉक्स वाले बटन को 90 से 100 के साइज का रख के उसके बाद आपको वहाँ ऊपर में सेट कर लेना, जिस टाइप से मैं सेट किया हूँ। उसके बाद नीचे में आपको अपने राइट फायर बटन का साइज 40 से 60 के बीच में आप रखना, जिसमें बेस रहेगा कि आप 55 रखो या फिर 50 रखो या फिर 60 भी रख सकते हो, आप अपने फोन के हिसाब से रखना। और आपको इस टाइप से सेट कर लेना है जिस टाइप से मैं सेट किया हूँ। और उसके बाद आपको जंप वाले बटन को बिल्कुल उसी के बगल में आपको सेट करना है, जिसका साइज रहेगा बेस वाला कि आप 80 से 100 के बीच में ही रखो। जिसका मैं बताऊं तो मैं 90 रखा हूं, आप ऐसा रख सकते हो और इससे आप इजीली उस पे क्लिक कर पाओगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप इसे 90 रख सकते हो। और जंप बटन के नीचे में ही आपको क्रॉच वाले बटन का भी सेम साइज करके नीचे में रख लेना है, जिसका मैं बताऊं तो सबसे नीचे में करके रखना, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, आप अच्छे से उस पे क्लिक कर पाओ। और काफी लोग ऐसा करते हैं कि इसे बहुत ही छोटा कर लेते हैं और उसी जगह पे रखते हैं, जिससे वो सही से क्लिक नहीं हो पाता है। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, आपको इसे थोड़ा बड़ा करके ही रखना, ताकि आप जैसे क्रॉच ग्लूवल हो गया तो वो भी आप अच्छे से कर पाओ। अपना पार्टो मूवमेंट हो गया या फिर कोई भी मूवमेंट हो वो भी आप अच्छे से कर पाओ। एक बार आप क्लिक करो तो उसी टाइम पे क्लिक हो जाना चाहिए, इतना बड़ा साइज में आप रखो। तो अब आप समझ लो कि आपको लेफ्ट साइड में किस टाइप से रखना है, ताकि आप अच्छे से क्लिक कर पाओ और आपका बेस कस्टम एचयूडी सेटिंग्स बन पाए। तो सबसे पहले आपको स्पिन वाले बटन का साइज 90 से 100 के बीच में करके यहाँ पे रख लेना, जिस टाइप से मैं रखा हूँ। उसके जस्ट बगल में आपको लेफ्ट पर बटन को रखना है, लेकिन इसका साइज थोड़ा सा आपको छोटा रखना है, यानी कि इसका साइज आपको 80 से 90 के बीच में करके यहीं पे रख देना है, जिस टाइप मैं रखा हूँ। ज्यादा बड़ा मत करना, वरना बार बार इसी पे क्लिक हो जाएगा और आप स्पिन नहीं कर पाओगे, आपका मूवमेंट भी स्लो हो जाएगा, बार बार गलती से फायर हो जाएगा, बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। तो आप इसे थोड़ा सा छोटा करके ही रखना। और उसके नीचे में आपको कुक ओपन स्विच को 100 साइज करके रख देना है, जिस टाइप से मैं रखा हूँ। और उसके लेफ्ट साइड में आप अपने ग्लोअल वाले बटन को पूरा 100 मैक्स साइज करके रख देना, जिस टाइप से मैं रखा हूँ, जिसको आप थोड़ा मोड़ा इधर उधर भी रख सकते हो, आप अपने कम्फर्ट के हिसाब से, जिसमें आप अच्छे से क्लिक कर पाओ। तो आपको ऐसा कर लेना है, जिसमें आप ग्लोअल बहुत ही फास्ट लगाने वाले, और वो कैसे मैं आपको अच्छे से अभी बताऊंगा। लेकिन आप बाकी सारे बटन का भी पोजीशन अच्छे से देख लो, जो कि मैंने रखा अपने कस्टम एचयूडी में, आपको भी ऐसा ही रखना है। और मैं बता रहा हूँ आपको ग्लूवाल और ये ग्रेनेड वाला बटन दोनों को अलग अलग कर लेना है, डबल स्लॉट में कर लेना है, ताकि आप ग्रेनेड और ग्लूवाल दोनों अलग अलग से कर पाओ और अच्छे से अपना गेम प्ले को नेक्स्ट लेवल तक ले जा पाओ। इसका मैं पोजीशन मैंने अच्छे से बता रखा है ये कस्टम एचयूडी में, तो आप अच्छे से देख लो और इसी टाइप से अपना भी कस्टम एचयूडी सेट कर लो। और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से बाद में इस पे सेट कर लो। तो गाइस आपने जो अभी कस्टम एचयूडी देखा, उसमें आपने नोटिस किया होगा कि मैं जितने भी बटन है उसका साइज बहुत ज्यादा ही बड़ा करके रखा हूँ। जी हाँ, इसलिए मैंने बड़ा करके रखा है, ताकि आप इस पे इजीली क्लिक कर पाओ, यानी कि फास्टली उस पे क्लिक हो पाए। इससे ये होता है कि आपका रिएक्शन टाइम काफी फास्ट हो जाता है, आप फास्टली किसी भी बटन पे क्लिक करते हो, इससे आपका मूवमेंट स्पीड हो गया या फिर कोई भी टाइप का रिएक्शन टाइम हो गया वो बहुत ही फास्ट हो जाता है, जिससे फास्टली मूवमेंट करने में और फास्टली ग्लूवल लगाने के लिए बहुत ही एडवांटेज मिल जाता है, यानी कि आप बहुत ही अच्छे से गेम प्ले कर पाओगे अगर आप ऐसा रखते हो। तो अब आप अच्छे से ये भी समझ लो कि आपको कैसे इस कस्टम एचयूडी में ग्लूवल लगाना है, कैसे मूवमेंट करना है और कैसे आप वन टैप मस्त वाली लगा सकते हो, बिल्कुल थ्री फिंगर, फोर फिंगर या फिर पीसी प्लस वाली, बस ये टू फिंगर की कस्टम एचयूडी में। तो गाइस इस कस्टम एचयूडी में ग्लूवल लगाने के लिए सबसे पहले तो आपको राइट फायर बटन से ड्रैग करके आपको वन टैप तो मारना ही है ना, तो सबसे पहले आपको वन टैप मार लेना है। वन टैप मारते ही आपको उसी राइट फायर बटन को पूरा नीचे की ओर ड्रैग करते हुए नीचे लाना है, और उसी टैप पे आपको अपने ग्लूवल बटन पे भी टैप करके रखना है, यानी कि जैसे ग्लूवल हो जाए स्विच, उसके बाद ही पूरा नीचे की ओर ड्रैग करना, और पूरा नीचे आते ही आपको क्रॉस वाले बटन पे टैप
कर देना अपने राइट हैंड से, उसके बाद आपको लेफ्ट पर बटन पे टैप कर देना है अपने लेफ्ट हैंड से। ऐसा करते ही आपका ग्लोबल मास्क वाला सुपर फास्ट वाला लग जाएगा बिल्कुल पीसी प्लस वाली। और इसमें आप बहुत सारे लेजेंडरी ग्लोबल टिक्स को भी यूज कर सकते हो जिससे आपका गेम प्ले बहुत ही खतरनाक हो जाएगा। तो अगर आपको उस पर वीडियो चाहिए कि आप कैसे बेस ग्लोबल लगा सकते हो तो आप बता देना, मैं सेपरेट वाला वीडियो ला दूंगा जिसमें मैं बहुत सारे ग्लोबल टिक्स को बताऊंगा जिससे आपका गेम प्ले बहुत ही खतरनाक हो जाएगा। तो आप जो से कमेंट करके बता देना। और इस कस्टम एचयूडी में आपको कुक ओपन स्विच दिख रहा होगा यहाँ पे नीचे में, जिससे आप ग्लोबल मूवमेंट सब कुछ अच्छे से कर पाओगे। ग्लोबल में तो ये जरा काम नहीं आएगा क्योंकि अभी आप टू फिंगर पे खेलो, थ्री फिंगर रहता तो शायद काम आता, लेकिन इससे आप मस्त वाली हेडशॉट कनेक्टर पाओगे एनिमी पे और बहुत ही अच्छा मूवमेंट कर पाओगे। ऐसा लगेगा जैसे आप गन बॉक्स स्विच करते हो तो उसी थंब से आपको फिर से फायर भी करना पड़ता है, बहुत ही कंज्यूमिंग होता है टाइम। और इससे अगर आप यूज करते हो अपने कुक ओपन स्विच वाले बटन को तो मस्त वाला मूवमेंट आप कर पाते हो, जिसपे मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है ये वाली, तो आप इसे जोर से देख लेना, आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इसका। वैसे आप इसका यूज करके मस्त वाली हेडशॉट भी मार सकते हो, जैसे कि आप इसका यूज करोगे तो आपको एम्बॉर्ड वाली हेडशॉट कनेक्ट करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। जैसे कि आप नॉर्मली जो ड्रैग करते थे उससे जो हेडशॉट लगता था उससे ज्यादा अच्छे से हेडशॉट इससे कनेक्ट हो पाएगा, जिसको मैंने अच्छे से बता रखा इस वीडियो में, तो जोर से आप इसे देख ही लेना। वैसे आप अगर अच्छे से इसे समझना चाहते हो तो आप अच्छे से देख ही सकते हो बैकग्राउंड में, इसका यूज करके वन टैप थोड़ा सा अच्छा सा लग पाता है और फास्टली गन स्विच भी हो पाता है जिससे मूवमेंट भी बहुत ही फास्ट होता है। तो आप इसे जोर से यूज करना बिल्कुल ऐसा ही कस्टम एचयूडी में, आपको प्रैक्टिस कर लेना। तो गाइस आप लोगों ने ये कस्टम एचयूडी अच्छे से देख लिया होगा और आप समझ भी गए होंगे कि कैसे आप इस पे खेल सकते हो, तो अच्छे से आप इस पे प्रैक्टिस भी कर लेना क्योंकि आप इस पे खेल के एमएटेन जैसा गेम प्ले कर सकते हो। जी हाँ, एमएटेन भी टू फिंगर पे खेलते हैं, उनका कस्टम एचयूडी भी बिल्कुल ऐसा ही है, जिनका गेम प्ले बहुत ही खतरनाक है जो कि पीसी प्लेयर्स और बड़े बड़े यूट्यूबर्स को भी हरा रखे हैं। तो आप इनकी तरह खेल सकते हो, आप इनका गेम प्ले भी देख सकते हो बैकग्राउंड में कितना अच्छा ये खेलते हैं, आप इनकी फॉलो भी आप इनको करना, अच्छे से आप समझना कि कैसे ये खेलते हैं, इनका क्या ट्रिक्स है। वैसे थ्री फिंगर तो थ्री फिंगर ही होता है ना, अगर आप टू फिंगर पे जो प्रैक्टिस करके अच्छा गेम प्ले कर लेते हो तो थ्री फिंगर पे तो और भी अच्छा गेम प्ले आप कर पाओगे। तो अगर आपको थ्री फिंगर की कस्टम एचयूडी चाहिए बेस वाली तो लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करके देख लो, वरना राइट वाली प्लेलिस्ट जो से देख लेना, इससे आप प्रो प्लेयर बन जाओगे।